ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस 1991, दिस इज द रीडिंग बाय हर्षवर्धन सिंह। आज हम इसमें दो बातों के बारे में बात करेंगे इस रीडिंग में। एक तो हर्षवर्धन सिंह साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया इज एन इकोनॉमी विद लो एवरेज टैरिफ्स। उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए क्या एविडेंसेस दिए हैं ये देखेंगे, और क्या जो ये पिक्चर है कि हमने चलो इसके अंदर अप्रूव कर देंगे उनके एविडेंसेस के साथ कि लो एवरेज टैरिफ्स हैं, तो क्या ये लो एवरेज टैरिफ्स वाली बात तब भी सिद्ध होती है कि अगर आप ये सोचें कि जो चेंज है दैट इज ड्यू टू द डाउनवर्ड बायस ऑफ द ट्रेड वेटेड एवरेज टैरिफ, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन इकोनॉमी विद लो एवरेज टैरिफ्स, क्या इंडिया ऐसी इकोनॉमी है जिसमें लो एवरेज टैरिफ्स हैं? उन्होंने कहा कि आप अगर टेबल को देखें, उन्होंने एक टेबल दिया है बेसिक कस्टम्स रेवेन्यूज का एज अ परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स एंड टोटल कस्टम रेवेन्यूज, तो ये दो दोनों कॉलम्स दो कुछ अलग अलग बातें बताते हैं। टोटल कस्टम्स रेवेन्यूज एज अ परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स और बेसिक कस्टम्स रेवेन्यूज, परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स। वो ये कहते हैं कि अगर आप टोटल कस्टम रेवेन्यूज को देखें तो टोटल कस्टम रेवेन्यूज में टैरिफ्स भी इंक्लूडेड हैं और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी इंक्लूडेड हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज का मतलब होता है वो टैरिफ जो कि इंपोर्टेड गुड्स पे लगाए जाते हैं, क्योंकि जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसने अपनी कंट्री में सब्सिडीज दी हुई थी, तो सब्सिडीज को खत्म करने के लिए, उनकी सब्सिडीज का जो फायदा हो रहा था उनके प्रोड्यूसर्स को, उसको खत्म करने के लिए जो टैरिफ लगाए जाएं वह काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हैं। और अगर आप बेसिक कस्टम रेवेन्यूज को देखें तो वो सिर्फ टैरिफ्स के बारे में बात करते हैं, टैरिफ्स ओनली, तो वो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ्स के बारे में बात करते हैं। दोनों बातें समझ में आई? वो ये कहते हैं कि अगर आप बेसिक कस्टम ड्यूटीज में देखेंगे ना तो आपको ज्यादा फॉल नजर आएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटीज में देखेंगे तो फॉल ज्यादा नजर आएगा एज कंपेयर टू टोटल कस्टम रेवेन्यूज के। तो यहां पे वो ये कह रहे हैं कि फॉल इज मोर, यहां पे अगर इसको देखेंगे तो फॉल इज लेस, टैरिफ जो टैरिफ हुआ है, टैरिफ का जो फॉल है वो फॉल हुआ है दोनों में ही, लेकिन बेसिक कस्टम रेवेन्यूज एज अ परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट से ज्यादा गिरे हैं एज कंपेयर टू टोटल कस्टम रेवेन्यूज। पहली बात तो ये, आप ये देखें तो वो ये कहते हैं कि 1991 से अगर आप स्टार्ट करते हैं, 1991 से, फिर मैं एक कंपैरिजन के लिए एक पॉइंट लिखता हूं 1999 2000 का, राइट, और फिर एक पॉइंट लिखते हैं 2002-3 का लिख लो, फिर 2005-6, इनफैक्ट मैं एक लास्ट का पॉइंट और लिखना चाहूंगा, दैट इज 15-16। तो ये टोटल कस्टम रेवेन्यू, बेसिक कस्टम रेवेन्यू। अब आप फॉल देखिए, 1990-91 में दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, 47.8%,
1999 2000 में देखिए फॉल, ये 22.4 हुआ, ये 12.6 हो गया। फिर 2002-3 में देखिए, अब जो टोटल कस्टम रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल है बेसिक कस्टम रेवेन्यू का। 2005-6 में और 15-16 में, अब देखने आप स्टार्ट कहां से करा आपने, 47.8 से, और आप कहां पे पहुंच गए, 2.3। तो हमको ये भी समझ में आता है कि जो वेटेड एवरेज टैरिफ्स हैं, आप अगर सिर्फ इसको बेसिक कस्टम रेवेन्यूज में देखेंगे, दैट इज विदाउट सीवीडीज, तो इसका फॉल ज्यादा है एज कंपेयर टू टोटल कस्टम रेवेन्यूज वाले केस में। ठीक है, टोटल कस्टम रेवेन्यूज वाले केस में। और लेट 90s से इसका जो डिफरेंस है दोनों में वो ज्यादा दिखाई देने लगा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, फ्रॉम लेट 90s फ्रॉम लेट 90s द डिफरेंस इज शोइंग लार्ज, आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट इंग्लिश और नॉट, और द डिफरेंस इज इंक्रीजिंग, दैट्स बेटर। बेटा दिस डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप यूएस को देखें, अगर आप यूएसए को देखें, तो उनका जो कस्टम्स रेवेन्यू बेस्ड वेटेड एवरेज टैरिफ है वो 1.5% है। लिख देता हूं मैं ये, कस्टम्स रेवेन्यू बेस्ड वेटेड एवरेज टैरिफ। तो हम भी कौन से बहुत डिफरेंट हैं उनसे, इंडिया इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूएस। तो अगर ये कहें तो इंडिया भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इंडिया इज नॉट टू डिफरेंट। यूएस तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी, अगर उसमें टैरिफ गिर रहे हैं, हमारे टैरिफ का रेट्स भी ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जैसा ही है, तो भैया हम भी तो उतने ही ओपन हो गए ना। तो ये जो प्रत्यारोपण होता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी तो बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, कहां से ओपन नहीं है? हर्षवर्धन सिंह साहब ने हर एक जगह इसी एविडेंस को बार बार देने की चेष्टा करी है कि इंडिया उतनी ही ओपन है, और इंडिया, या फिर अगर और सही शब्दों में कहें तो इंडिया उतनी बंद नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो एन ओपन इकोनॉमी, इंडिया इज मोर ओपन देन वॉट इज जनरली परसीव्ड, दैट इज अ पॉइंट। अगेन दिस पॉइंट, हमने पहले भी इस पॉइंट के बारे में बात करी थी पिछली रिकॉर्डिंग में, और हम इस रिकॉर्डिंग में भी इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो इंडिया है दैट इज मोर ओपन देन व्हाट इज जनरली परसीव्ड। दूसरी बात वो कहते हैं कि अच्छा, अब देखिए आपके पास दो तरह के टैरिफ्स हैं, एक आप कह दें एग्रीकल्चरल गुड्स पे जो टैरिफ्स हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स पे जो टैरिफ्स हैं, और एक जो नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पे टैरिफ्स हैं। नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पे जो टैरिफ्स हैं, हम अगर ऐसे टैरिफ्स को देखें जो कि 10% और मोर हैं, 10% और मोर हैं,
राइट सॉरी 10% और बिलो, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, 10% और बिलो है तो 90% ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल टैरिफ लाइंस 10% और बिलो हैं, और सिर्फ 13% ऑफ एग्रीकल्चरल टैरिफ लाइंस आर बिलो 10%, अदरवाइज एग्रीकल्चर के अंदर टैरिफ ज्यादा है। ओके इस बात से क्या प्रूव होता है? पहली बात तो ये कि जहां तक लिबरलाइजेशन की बात थी तो लिबरलाइजेशन मतलब टैरिफ के रूप में जो लिबरलाइजेशन हुआ कि टैरिफ कम करिए कम करिए, वो सारी चीजें नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए हुई थी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी। हाँ तो वो लाइन लिखते हैं ये, मोस्ट ऑफ द फोकस ऑफ टैरिफ लिबरलाइजेशन इज टूवर्ड्स नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स इंटरनेशनली और इंडिया में तो आप प्रूव ही कर रहे हैं राइट, इंडिया में तो आप कह ही रहे हैं कि आपके नॉन एग्रीकल्चरल गुड में 90% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स दे हैव लो टैरिफ्स। अच्छा देखिए बहुत ऐसे कम आइटम्स हैं नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स में जिनका टैरिफ रेट 10% से ज्यादा है और वो भी इंपोर्ट होता है। तो अगर वो इंपोर्ट ही ज्यादा नहीं होते तो उनका टैरिफ कम करने ज्यादा करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? तो वो ये कहने की चेष्टा कर रहे हैं मोर देन 10% वाले में। अब नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स में देखें तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम आइटम्स हैं नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स में जो कि 10% से ज्यादा टैरिफ रेट रखते हैं और उनको इंपोर्ट करा जाता है। तो इस बात से क्या प्रूव होता है? इस बात से यह प्रूव होता है कि अगर बहुत कम ही आइटम्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं उन पे होगा टैरिफ ज्यादा, अगर आप टैरिफ कम भी कर दें तो भी फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? सो कैसे लिखेंगे? प्लीज राइट दिस, मोस्ट ऑफ दे आर नॉट, या मैं इसके लिए लिख रहा हूं 10% ग्रेटर देन 10% वाले के लिए लिख रहा हूं बेटा, ठीक है? कहां लिखूं मैं ऐसे, को भूलोगे तो नहीं तुम लोग? कैसे लिखूं कैसे लिखूं? ऐसे लिखो भैया, ऐसे काट दिया, ऐसे टेबल सा बना दिया। हाँ अब लिख लो ऐसे, मोस्ट ऑफ दीज नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विथ टैरिफ्स अबव 10% आर नॉट लाइकली टू बी अमंग मेजर ट्रेडेड आइटम्स फॉर इंडिया। तो बेटा बात प्रूव हो गई ना? हाँ बात तो प्रूव हो गई, जिन आइटम्स पे आप ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं वो आइटम्स आप ज्यादा इंपोर्ट ही नहीं करते, तो फर्क क्या पड़ता है फिर? तो
तो हमारी और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में क्या सर क्या डिफरेंस रह गया? एटलीस्ट जहां तक टेरिफ्स के बारे में बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो इंडिया भी तो इफेक्टिवली लो ही टैरिफ इकोनॉमी रही ना, इसके बावजूद भी इंडिया भी तो लो इफेक्टिव टैरिफ ही तो रहा उसमें भी। सो इंडिया रिमेन्स एन इकोनॉमी विद लो एवरेज टैरिफ एंड इंडिया इज मोर ओपन देन व्हाट इज जनरली परसीव्ड, राइट, देन व्हाट इज जनरली परसीव्ड। हाँ, सो ये कुछ बातें इस रिकॉर्डिंग में कही गई। आई होप दिस वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू बेटा। नोट्स बनाने हैं साथ साथ, सिर्फ ये रिकॉर्डिंग सुन के नहीं होगा। रिकॉर्डिंग में मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं, अब आप जब रीडिंग पढ़ेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा क्या है। मुश्किल रीडिंग है, हल्की सी मुश्किल लगी मुझे ये रीडिंग, लेकिन आप सबको आराम से समझ में आ जाएगा। यू यू राइट नोट्स प्रॉपरली, राइट? थैंक यू बेटा।